हेलो गाइस नमस्कार प्रणाम जोहार कैसे हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर फोर साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर फोर लेके आया हूं इससे पहले मैं तीन प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूं जिन्होंने अभी तक तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो जाइएगा प्लेलिस्ट में जाके आप तीनों प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं साथ ही जे साथ जेएसएसएस सीजीएल के लिए साइंस का कम से कम 80 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा रखा है वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा समझ में अगर आए तो भाई लाइक ठोक देना है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और ये क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक कि झारखंड में सहायक आचार्य की परीक्षा नहीं ली जाएगी तब तक ये क्लास चलते रहेगी कंटिन्यू चलते रहेगा तो चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार जल्दी से ठोक दो सभी लोग लाइक और भाई एक बार कमेंट में कर दो क्या जय झारखंड जो झारखंड के साथ क्लास को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे चलिए और यहां से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर आज की क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना तो यहां से पांच से सात क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे आइए जरा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन आज के इस क्लास में आया हुआ है देखिए आप पहला क्वेश्चन को जब देखेंगे तो पहला क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आज फिर आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आपका डेली एक कमेंट आता है कि सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी मैं डेली बताता हूं कि पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी अब बोलते हो टेलीग्राम का लिंक सर बताइए तो लिंक तो साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको लिखा गया देखिए यही हमारा क्या है टेलीग्राम का चैनल का लिंक है आप इसको क्या करना है क्लिक आप इसको क्या करोगे तो भाई इसको क्या करोगे टाइप करोगे जाके टेलीग्राम में जैसे टाइप करोगे तो ये हमारा लोगो दिखाई देगा क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है और उसके बाद पीडीएफ आंसर लगा हुआ साथ ही साथ डिटेल्स नोट्स के साथ मिलेगा पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल इनर्जी क्लास नाइन्थ में अब बताओ इसमें से कौन सा जो है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बीच ऑफ दोट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल इनर्जी पोटेंशियल इनर्जी का उदाहरण नहीं है कौन सा नहीं है एक संकुचित जल स्रोत बहता हुआ जल एक बांध में संचित किया गया जल एक उठाया गया हथौड़ा इसमें पोटेंशियल ऊर्जा नहीं है तो मेरे दोस्त बहता हुआ जल बहता हुआ जल जो है ना वो एक स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है राइट आंसर कमेंट में कैसे करोगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना बाद में आंसर लिख देना ताकि मुझे क्लियर पता चल जाए कि जो भी जोहार साथी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बी दे रहे हैं कैसा लगा क्वेश्चन मेरे दोस्त चलिए अब ये बताओ इसका डिटेल्स आंसर यहां पर चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बहता हुआ जल स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ये डिटेल्स देखिए मैं आपको दे रहा हूं क्लियर है अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन पर जरूर क्लिक बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का उदाहरण देखिए ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है और दे दिया गया है स्थिति ऊर्जा का पूछा गया तो आंसर तो नहीं होगा ना देखिए जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम लोग स्थिति ऊर्जा कहते हैं तनी हुई स्प्रिंग कमानी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है जो तना हुआ स्प्रिंग होता है ये किसका उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ठीक है चलिए अगर अच्छा लगा है तो भाई बोलने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोग सभी लोग समझदार हो क्योंकि आप लोग खुद एक टीचर बनने जा रहे हो भाई समझदारी तो आपके अंदर कुट कुट के भरा हुआ है अगर ये डिस्क्रिप्शन अगर ये डिटेल्स अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं एक बार ठोक दीजिए लाइक है ना अगर आपको क्लास अच्छी तरीका से समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर दो असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है असंतुलित यानी कि क्या बोला गया है इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होता है उसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन ये पूछा गया है देखिए पहला है कंकाल रासायनिक समीकरण रफ रासायनिक समीकरण जटिल रासायनिक समीकरण प्राकृतिक रासायनिक समीकरण मेरे दोस्त आप एक टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो आपके अंदर जानकारी एकदम कूट कूट कर होना चाहिए क्लियर है तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन जानते हो बहुत जगह मिलता नहीं है और मैं आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चन लेके आता हूं तभी तो मैं एकदम बोलता हूं कि आज की क्लास अगर कर लोगे तो पांच से सात क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे तो देखिए यहां पर क्या है कंकाल हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कंकाल हो जाएगा दो का हो जाएगा ए बहुत लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं सर क्लास टेंथ का क्लास टेंथ लेवल का मैथ आएगा सर ये मैथ भी बता दिए ओके माय डियर ये क्लास टेंथ लेवल का जो मैथ आएगा वो भी मैं बहुत बढ़िया से बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोग को बताने वाला हूँ और झारखंड जैसे सीरियल के लिए भी मैं मैंने बता रखा था ठीक है आप लोग उसको भी पढ़िएगा तो आपके लिए मैथमेटिक्स काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और मैं जो जैसे सीजीएल का साइंस था और जो मैथ था उसका भी आपको लिंक मैं आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला लेने से पहले जरा सा डिटेल्स देख लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है रासायनिक संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है क्लियर है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर लेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि आप तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है कितना है जी 30 सेंटीमीटर यानी आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर ओके क्लियर है कार्टिजियन साइन के कन्वेंशन के, के अनुसार इसकी फोकल लंबाई किस तरह व्यक्त किया जा सकता है अब तल दर्पण है बात की गई है फोकस की तो फोकस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है तीस तो तीस का आधा कितना हो जाएगा पंद्रह यानी जो फोकस होगी वो तो पंद्रह होगी लेकिन अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस कैसी होती है निगेटिव होती है तो राइट आंसर देना है माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बोलोगे सर तीन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे चार चार लेने से पहले देखिए क्या लिखा हुआ है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है तीस सेंटीमीटर है कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को माइनस पंद्रह सेंटीमीटर की तरह व्यक्त किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार एक मिनट मेरे दोस्त जरा सा पानी पी लेता हूं चलिए इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा आइए बताइए लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है।, है आपको गलत चुनना है, है यह तो बिल्कुल सही है जी सूखा एनएस थ्री गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है क्या यह सही है था? आप लोग का जवाब आएगा सर नहीं, नहीं सूखा जो एन एस थ्री होता है वो लाल लिटमस को नीले रंग में नहीं बदलता है इसलिए गलत बोला गया था तो गलत कौन है भाई तो गलत हमारा दो है लेकिन आगे बढ़ते हैं वर्षा जल का पीएच वैल्यू के करीब होता है बिल्कुल सही बात है, है।, सही बात है। तो हमसे क्या पूछा गया था त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत चुनना है तो गलत कौन होगा दो होगा केवल दो होगा केवल दो कहा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर चार इसका राइट आंसर क्या दोगे आप कमेंट में ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारी जानकारी अगले स्लाइड में देखने वाले हैं देखिए यहाँ पर कितनी बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं लिखा हुआ है यह कथन त्रुटिपूर्ण है कि सूखा एन गैस लाल लिटमस को क्या कर देता है नीला रंग में बदल देता है ये क्या है गलत है NH4Cl तथा क्लोरोस्टेनिक अम्ल के सांद्र बिलियन से प्राप्त लवण को पिंक लवण कहा जाता है ये सब क्या है डिटेल्स जानकारी है जो कि आपको रखना जरूरी है अम्ल अम्ल अब देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को तथा मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है लाल कर देता है कौन करता है जी अम्ल क्या कौन करता है अम्ल ठीक है ना चार फिनोप्थलिन को गुलाबी कर देता है चार लाल लिटमस को नीला है ना तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है ये जो स्लाइड में जो मैं घेरा कर दिया है ना गोल गोल से वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे तो एक बार ठोक दो क्या ठोकोगे लाइक ठोक दो मेरे दोस्त चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच पीडीएफ डी कहाँ मिलेगा मैं बता दिया हूँ कमेंट मत करो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जोहार साथी पीडीएफ डी मिलेगी मैं आपको बता दिया हूं और अगर किसी भी प्रकार का और कोई दिक्कत कोई परेशानी होता है तो आप दिए गए जो नंबर आपको दिख रही है ना इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉलिंग करके पूछ सकते हो अगर मैं फ्री रहूंगा तो आपको पक्का जवाब दूंगा चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पांच कता है कि जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह यह जब पाए चई जब चई प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है when large quantities of dash are consumed it tends to slow metabolic process and to depress the central nervous system किसकी अत्यधिक प्रयोग करने से ऐसा होता है ऐसा देखने को मिलता है तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है ब्यूटानॉल है ना मेथेनॉल प्रोपेनॉल या एथेनॉल तो ऐसा जो देखने को मिलते हैं ना वो एथेनॉल की अत्यधिक सेवन करने से ऐसा देखने को मिलता है तो तो राइट आंसर क्या दोगे दोगे ऑप्शन नंबर डी कमेंट करोगे सर पांच का डी होगा क्लियर है नेक्स्ट यहां पे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है जब एथेनॉल की अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी क्रियाओं को क्या कर देता है धीमा कर देता है साथ ही साथ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको क्या कर देता है डिस्ट्रॉय करता करता है 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 यानी कि नष्ट करने करने का काम करता है. Next, का काम नेक्स्ट मिथाइल अल्कोहल सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता है तो आंसर याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है अंधा हो जाता है और अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु हो जा सकती है यानी कि मौत भी हो सकती है शराब या मादक पदार्थ का अधिक सेवन करने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अधिक हानि पहुंचता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है शराब पीने से इसलिए आप लोग तो एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो जितने भी मेरे दोस्त जितने भी मेरे भाई हैं जो शराब पीते हैं वो छोड़ दीजिए क्योंकि आप एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं ठीक है ना इथाइल अल्कोहल पीने से उत्तेजना आती है अगर आप लोग इथाइल अल्कोहल का ज्यादा सेवन करेंगे तो आपके अंदर एक्टिविटियां आने लगेगी आपके अंदर क्या होने ऊर्जा मिलने लगेगी और आपके अंदर क्या होने लगेगा उत्तेजना भर जाएगी इस कारण इसका प्रयोग मादक मादक्रव या शराब के रूप में किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छे क्वेश्चन नंबर छह बोल रहा है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से, से क्या समान है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स इलिमेंट्सेंट इन द सेम पीरियोडिक सेम पीरियड में क्या है मौजूद है विल हैव द सेम क्या अगर एक ही पीरियड में सभी लोग हैं तो उसके नंबर ऑफ जो सेल होंगे वो क्या होंगे सेम होगा तो भाई अनु की संजोता क्षमता गलत हो गया परमाणु की संख्या महा गलत है परमाणिक व्यवहार पूरा गलत है सेलो की संख्या क्या होगी सेम होगी तो राइट आंसर जो है ना वो छे का क्या दोगे कमेंट में आप लोग डी दोगे तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए और आप लोग कहाँ से मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जोहार साथी आज की इस क्लास को देख पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए क्लास अच्छी लग रही है तो फिर लाइक ठोकते रहना है चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए क्वेश्चन नंबर आगे लेने से पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है लिखा है एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों पे क्या होती है सेलों की जो संख्या होती है वो क्या होती है समान होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का क्या होता है मूल आधार होता है आधुनिक आवार सारणी में सात क्या होते हैं छत्तीस कतारें होती है तथा अठारह क्या होती है उदर कतारें होती है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप होते हैं और कितने आपको आपको ए, ए वर्ग होते हैं ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक आवार का प्रथम सदस्य क्षार होता है धातु तथा अंतिम सदस्य जो होता है वो एक निष्क्रिय गैस होता है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में तो साइंस मेरे दोस्त सभी जगह उपयोगी होते हैं क्वेश्चन तो नंबर सेवन लिखा हुआ है यदि एक वस्तु का संवेग क्या कर दिया जाए तीन गुना कर दिया जाए यानी कि मोमेंटम को आपने तीन गुना कर दिया संवेग को तीन गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा तो भाई गतिज ऊर्जा जो होता है ना वो संवेग का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहां पर सीधे संवेग संवेग को कितना कर दिया गया तीन गुना तो आप क्या कर दो ना तीन का स्क्वायर तो तीन का स्क्वायर कितना होगा नो no. यानी गति ऊर्जा जो, जो हो जाएगी ना वो इसकी नो गुना हो जाएगा क्लियर है कि और कुछ दाएं बाएं नहीं देखना है अगर दो रहता, तो यहां पर चार होता तो यह क्या हो जाएगा भाई मूल मान का नो गुना हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यानी कि सात का राइट आंसर सी देना है आपको कमेंट करके क्या देनी है सी देनी है कमेंट करके नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यदि एक वस्तु का संवेग तीन गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगा मूल मान का कितना गुना हो जाएगा नौ गुना हो जाएगा संवेग को दुग्ना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी चार गुना हो जाएगा और संवेग को दुग्ना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी और वेग क्या हो जाएगा आधा हो जाता है वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बटा चार अगर वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा एक बटा चार गुना हो जाएगा क्लियर है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आप लोग को फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी गति जुजा को होते हैं काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है ना हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो अगर बेग को आधा करोगे ना तो गति जुजा एक बटा चार गुना हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला जो बनाएगा थोड़ी देर के लिए हम लोग को हल्का सा पगला कहा यहां ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य है आपने क्लास टेन में पढ़ा होगा ओम का नियम अब ओम का नियम जब पढ़े होंगे तो ओम का बात भी आपको पता होगा देखते हैं कितना पता है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत तो धारा की मात्रा तार की लंबाई पर तार की लंबाई के वक्तुपाती होती है ये तो पूरा गलत है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत तो धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है भाई कहां से समानुपाती होगी ये भी पूरा गलत है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विवांतर के अनु विवांतर के वैध कर्मानुपाती होती है यह भी पूरा गलत है किसी तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा सिरों के मध्य के विवांतर के मध्य समानुपाती होती है यस yes. किसके समानुपाती होती है विवांतर के समानुपाती होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है हम लोग सभी को पता है कि जो भी होता है वो आई का क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यही तो होता है ओम लोम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार क्या होता है वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे करेंट से क्लियर है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमेंट करके आपको बताना है कि राइट आंसर आठ का क्या होगा डी होगा ठीक है नेक्स्ट यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है डिटेल्स जानकारी दे रहा हूं डिटेल्स डिटेल्स जानकारी ओके देखिए क्या लिखा हुआ है ओम के नियम के अनुसार सत्य कथन है क्या सत्य कथन है कि किसी तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य मध्यतर के क्या होती है समानुपाती होती है किसके के समानुपाती होती है सम... के समानुपाती होती है अब देखिए ओम का नियम क्या बताता है कहता है कि स्थिर ताप अगर ताप को स्थिर रख दिया जाए पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विवांतर के क्या होती है समानुपाती होती है अलग के सिरों के बीच का जो विभवान्तर होता है जो पोटेंशियल होते हैं डिफरेंस होते हैं उनके समानुपाती होती है यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला गया है कि हाइलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन है ना उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है द एलिमेंट विद द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एमंग द हाइलोजन इज तो भाई इन सभी हाइलोजन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है वो क्लोरीन की होती है राइट right आंसर क्या दोगे हम लोग तो भाई हम लोग देंगे नाइन का बी देंगे ओके okay, नेक्स्ट यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है हाइलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व कौन है भाई क्लोरीन है वर्ग सेवन ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होती है उच्च होती है जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं ठीक है ना फ्लोरीन है ना कि होती है क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है यानी जो सबसे ज्यादा निगेटिविटी जो होती है वो कौन होती है फ्लोरीन होती है सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी होती है किसकी होती है? होती है 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 क्लोरीन की क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन द फीमेल कोल्ड क्या कहलाता अंडज, है जी अंड अंड जनन कहते हैं उसे ऋतु श्राव कहते हैं यह रजोदर्शन कहा जाता है या कैशोर कहा जाता है तो उसे कहते हैं अंडजनन यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या देना है आंसर में ए देना है तो राइट आंसर जो है दस का वो क्या है आपका ए है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे ग्यारह से पहले देखते हैं डिटेल्स मदाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है प्रत्येक मादाओं में एक जोड़ा अंडा से होता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मादाओं में यानी कि जो फीमेल लोग होते हैं उसमें जोड़े अंडा से होते तो आंसर देना है एक जोड़े होते हैं ये उधर के नीचे भाग में सोनी गुहा के दोनों ओर दाएं एवं बाएं में एक स्थित होते हैं प्रत्येक अंडा से एक अंडाकार रचना वाला होती है इसकी जो रचना होती है इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है अंडाकार होता है अंडाशय के भीतर अंडानुओं का अंडजनन द्वारा क्या होती है निर्माण होता है अंडाशय का बाहरी स्तर एपिथेलियम का बना होता है यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडाशय का जो बाहरी जो आवरण होती है वो किसकी बनी होती है तो आपको बताना है एपिथेलियम का बना होता है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है लिखा गया है कि जब कई प्रतिरोध गैस में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है तो भाई न्यूनतम प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से कम लाना है क्लियर है न्यूनतम प्रतिरोध से कम तभी प्राप्त हो सकता है जब उसको आप कहां जोड़ोगे समांतर क्रम में जोड़ोगे कहां जोड़ोगे समांतर समांतर मतलब कि पैरेलल यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना तो राइट आंसर ए होगा और अधिक जो प्रतिरोध प्राप्त होता है अधिक जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपको कहां अधिक प्रतिरोध कब प्राप्त होगा जब उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम बोले तो आपको कमेंट करके बताना है सर सीरीज में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे देखते हैं लिखा हुआ है कि जब कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है कम होता है ठीक है ना प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो तथा भिन्न-भिन्न प्रतिरोध के बीच तो अलग, अलग क्या होती है, होती है। लेकिन करंट क्या होता है हरे, हरे सेम होती है उसी, उसी तरह से पार्श्व क्रम यानी कि पैरल में क्या होगा सभी जगह का वोल्टेज समान होगी लेकिन करंट क्या होगी अलग अलग होगी ठीक है क्वेश्चन नंबर बारह लिखा है कि एक तत्व के नाभिक में पंद्रह प्रोटोन और बाईस न्यूट्रेन है संख्या क्या होगी तो जो, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है जी तो द्रव्यमान जो संख्या होती है मेरे नौजवान साथी वो होती है क्या तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन ठीक है ना प्रोटॉन कितने हैं जी पंद्रह न्यूट्रॉन कितने हैं बाईस दोनों को जोड़ दीजिए आंसर हो गया थर्टी सेवन तो द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा थर्टी सेवन होगा राइट आंसर कितने हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह में क्या बोला गया आइए देख लेते हैं ठीक कि जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है नम हवा यानी कि मॉइस्चर में रखी जाती है ठीक है ना तो हाइड्रेटेड आयरन ठीक है ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री की एक लाल भूले लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जम जमा हो जाती है इस लाल भूले रंग की परत को क्या कहते हैं तो उसे जंग बोलते हैं जंग बोलते हैं यानी कि रस्ट के रूप में जानते हैं लिखा है कि वेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर अ रेडिस ब्राउन कोटिंग ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस दिस रेडियस ब्राउन कोटिंग इज कॉल्ड क्या कहलाएगा जी उसे रस्ट कहते हैं उसे रस्ट कहते हैं यानी कि जंग के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe3O2 एक लाल भूले रंग की परत होती है जो सतह पर जमा हो जाती है इस लाल भूले रंग की परत का जंग कैसा होता है भाई उसे क्या कहते हैं जंग कहते हैं क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जंग का जो कलर होता है वो कैसा होता है तो आंसर देना है लाल भूले रंग की जो जंग होती है ना क्लियर है उसकी जो कलर होती है वो कैसे होते हैं लाल भूरे रंग का होता है और जंग लगना एक क्या है जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लगने से वजन क्या होता है याद रखना कि जंग लगने से जो वजन होती है वो बढ़ती है यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं तो लोहे के ऊपर पीच यानी कि अलकतरा या एलुमिनियम पेंट लगा देते हैं लोहे को लाल तप्त कर उसके ऊपर जलवास प्रवाहित करने से एफ ई थ्री ओ फोर की परत बैठ जाती है जो लोहे को जंग लगने से क्या करता है जी बचाता है और क्या करते हैं लोहे को जस्तीकरण करके है ना यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गैलवीनिकरण करके हम लोग लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं तो याद रखना लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है बढ़ता है जंग लगना क्या है रासायनिक परिवर्तन है जंग लगने से कौन सी परत बनती है तो वो बनती है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की परत एफ का परत बनती है जंग का कलर कैसा होता है लाल भूले रंग का होता है ये सारी बातें आपको याद रखना है दिए गए बेग पर बेग पर दिए गए बेग पर किसी धोनी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है यानी दिए गए वे कोई वेलोसिटी आपको दे दिया गया, लेकिन आवृत्ति क्या करोगे बढ़ाओगे अगर इसको आप बढ़ाओगे, तो पूछा है कि इसके तरंग धर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसकी अगर अगर आवृत्ति दिए गए बेग पर दिए गए बेग पर अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग क्या होगी जी तरंग घटेगी क्योंकि हम लोग को पता है कि भी बराबर क्या होता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है तो अगर बेग वही रहेगा तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी घटेगी तो कहां पर लिखा हुआ है घटेगी देख लेते हैं तरंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये तो पूरा गलत है तरंग धर्म में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती है पूरी गलत है तरंग धर्म इसकी तरंग धैर्य में कमी आ जाएगी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी तो चौदह का राइट आंसर सी करना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या दोगे सी दोगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है यदि दिए गए बेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दर क्या हो जाएगी कम आ जाएगी ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के अनुकर्मानुपाति तथा माध्यम के घरत्व के क्या होती है अनुकर्मानुपाति होती है ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आयम के वर्ग के अनुकर्मानुपाती होती है ये साउंड की कुछ चीजें है? है ना साउंड के कल भी क्वेश्चन मैंने करवाया था और आज भी करवा रहा हूँ ठीक है ना तो साउंड की बहुत सारी चीजें जैसे पिच पिच अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी हाई होगी पिच अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी लो होगी पिच हाई का मतलब क्या है कि साउंड की जो क्वालिटी होगी वो मीठा होगा और पिच लो का मतलब क्या है कि साउंड की जो क्वालिटी होगी वो भारी होगा तो पिच हाई होना और पिच लो होना ये साउंड की क्वालिटी को बताता है जैसे आप बोलते हो ना लड़कियों की आवाज़ मीठी होती है इसका मतलब ये है कि लड़कियों की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई है पिच क्या है हाई है लड़कों की फ्रिक्वेंसी कम होती है यही कारण उसका पिच लो होता है इसी कारण उसका आवाज़ जो होता है वो क्या होता है भाई भारी होता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92 परसेंट जल होता है और शेष 8 परसेंट में प्रोटीन खनिज हार्मोन एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं तो भाई उसे क्या कहते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं क्या कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं प्लाज्मा क्या है भाई तो आपको बताना है कि ब्लड का एक तरल भाग है जिसमें क्या होते हैं 92 परसेंट जल होता है ब्लड का कितना परसेंट भाग तरल होता है तो ब्लड का अगर मैं ब्लड की बात करूं ना तो ब्लड का 55 परसेंट हिस्सा वो जो होती है वो क्या होती है प्लाज्मा होती है ठीक है ना और ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम लोग कोशिका बोलते हैं या सेल सेल के नाम से जानते हैं

एनीमिया होती है किसकी वजह से आरबीसी की कमी की वजह से ब्लड की कमी की वजह से हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से आयरन की कमी की वजह से है ना विटामिन बी सिक्स विटामिन बी नाइन और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से भी क्या होती है होती है ठीक है आरबीसी अगर आपके शरीर में बढ़ जाएगी ना तो पोलिसाइथीमिया हो जाएगी सॉरी आरबीसी की अगर बढ़ जाएगी तो भाई क्या हो जाएगा पोलिसाइथीमिया हो जाएगी और पोलिसाइथीमिया को ही हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं चलिए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा रक्त का हुआ भाग है जिसमें 92 परसेंट क्या होता है जल होता है, और 8 में क्या होता है? प्रोटीन खनिज हार्मोन ये सब चीजें होते हैं प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है चिपचिपा पदार्थ होता है थोड़ा क्षारिय द्रव्य होता है जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण ब्लड का यानी पूरे ब्लड का कितना होता है पचपन भाग होता है शेष पैतालीस भाग में क्या होती है ब्लड कॉर्पसुल्स होते हैं रक्त के तरल भाग को क्या कहता है प्लाज्मा कहा जाता है ठीक है डब्ल्यू बी शरीर में क्या करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं बढ़ाने का काम करते हैं अगर आपके शरीर में डब्ल्यू की संख्या क्या हो जाएगी घट जाएगी तो दिक्कत है डब्ल्यू की संख्या बढ़ जाएगी तो दिक्कत है सब कुछ एक लिमिटेड रूप में होना चाहिए ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था मंडल ब्राउन किया था आइजक न्यूटन किए थे जॉन ब्राउन किया था या रॉबर्ट ब्राउन किया था इसका राइट right आंसर है डी रॉबर्ट ब्राउन किया था ब्राउनियन गति की खोज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला ठीक है ना चलिए अगला लेते हैं इसमें कुछ डिटेल्स है नहीं उतना बढ़िया क्वेश्चन नंबर सत्रह लिखा है कि एक ऊंची छलांग लगाने, वाल... लगाने वाला एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उससे लंबी छलांग लेने में क्या करे मदद करे जब देखते हैं ना जब कोई लोग दौड़कर छलांग लगाते हैं तो छलांग लगाने से पहले आप भी देख चुके होंगे स्कूल कॉलेज में कि छलांग लगाने से पहले वो दौड़ता है क्यों दौड़ता है ताकि गति का वो जो है उसे लंबी लगाने में क्या करे मदद करे भाई क्या करता है वो गति अवस्था में आता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए वही चीज यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एटीन क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर डब्लू है एक वस्तु का जो वजन है वो पृथ्वी की सतह पर कितनी है डब्लू है जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से पंद्रह गुना है और त्रिज्या पृथ्वी के चार गुना है उसका वजन क्या होगा उसका वजन क्या होगा हमसे यह क्वेश्चन में पूछा गया है उसका वजन क्या होगा कितना गुना होगा हमसे यह पूछा गया तो मेरे दोस्त चार गुना होगा हम लोग को पता है कि W बराबर क्या हो जाएगा G M अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर तो मेरे दोस्त ये तो होता है लेकिन जो नया वाला होगा वो क्या हो जाएगा भाई तो भाई G तो वही रहेगा M जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का पंद्रह गुना है तो ये पंद्रह हो जाएगा और ये जो हमारा है वो चार गुना है तो चार का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्लियर है चार का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए तो ये जो डब्लू वन है जो नया वाला निकल के आया वो जी पंद्रह अपन क्या निकल के आ गया भाई इसका चार गुना है तो भाई ये फोर आर था ये फोर आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी सोलह आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर तो इतना बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं इतना आर बराबर हम लोग डब्लू बोल सकते हैं यानी पहले का पंद्रह बटा सोलह हो जाएगा पहले वाले का पंद्रह सोलह हो जाएगा पहले वाले का पंद्रह वटा सोलह हो जाएगा उसकी जो भार हो जाएगी वो पहले वाले से पंद्रह सोलह गुना हो जाएगी क्वेश्चन नंबर उन्नीस क्वेश्चन नंबर उन्नीस बोला गया है कि एक कांड्रा किसका बनाया जाता है कांड्रा जो होते हैं ना टेंडोन एक होता है लीगामेंट ठीक है ना कांड्रा का, का काम क्या होता है कमेंट करके बताइए लीगामेंट का काम क्या होता है कमेंट करके बताइए तो ये ंडरा जो होता है वो किसकी बनी होती है अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर का या केवल कोलेजन फाइबर का या स्थिर फाइबर का या स्थिर और अस्थिर उत्तक फाइबर का ये बने होते हैं आपको केवल कोलेजन फाइबर का कांडरा क्या किसकी बनी होती है सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर की बनी होती है चलिए लेते हैं भाई अगला देखिए यहाँ पे यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है एक कांडरा जो होती है केवल कोलिजन

सबसे पहले कमेंट करके ये बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है ना क्लास आप लोगों को कैसी लगी और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भाई सबसे पहले एक बार लाइक ठोक दीजिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी तो पीडीएफ के लिए मैं शुरू में ही बता दिया था एक बार जाते जाते और भी बता देता हूँ देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी पर आपको पीडीएफ क्लास की मिल जाएगी इसी तरीका से डिटेल्स नोट्स के साथ विथ आंसर के साथ आंसर के साथ साथ ही साथ डिटेल्स नोट के साथ आपको मिल जाएगा तो भाई देर किस बात की एक बार जल्दी से ठोक दो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका कितना सही हुआ ठीक है थैंक यू गाइज बाय